दोस्तों राणा क्लासेस में स्वागत है। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित आपको वन लाइनर बताऊंगा जो 64वीं बीपीएससी और उत्तर प्रदेश को जो पीसीएस फ्री होने वाली उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथी शताब्दी में गुप्त राजवंश का। दूसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्री गुप्त ने। गुप्त साम्राज्य का उदय भारत के किस भाग में हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्री गुप्त ने कब गुप्त वंश की स्थापना की? तो 240 ईस्वी में। श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराज की। श्री गुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा, घटोत्कच। घटोत्कच ने कब से कब तक शासन किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा, 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो उसका पुत्र क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम बने। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा, वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज। 12वां नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कब से कब तक हुआ? तो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। 14वां नंबर देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो समुद्रगुप्त 320 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ अभिलेख है। 16 नंबर देखते हैं, यह अभिलेख कहाँ अंकित है? जो समुद्रगुप्त का जो यह अभिलेख है जो कि अशोक के एक स्तंभ पर अंकित है, यह स्तंभ इलाहाबाद के किले में है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त का राजकवि एवं शांति तथा युद्ध का मंत्री था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? तो क्या हो जाएगा, उत्तर इसका संस्कृत में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की विशेषता क्या है? अभिलेख का कुछ अंश पद है एवं कुछ अंश गद्य में है। समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अपनी बीजों की उद्घोषणा है। गुप्त वंश के किस राजा को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुप्त काल में श्रीलंका के राजा में ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति किस शासक से मांगी थी? तो समुद्रगुप्त। श्रीलंका का वह कौन सा राजा था जिसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो मेघवर्मन। 25 नंबर देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो हिंदू धर्म के। गुप्त वंश के शासन काल में किस धर्म की उन्नति हुई? तो हिंदू धर्म। गुप्त काल में राज्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अश्वमेध हर्ता। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो 335 से 375 ईसा पूर्व में। 31 नंबर देखते हैं, समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? तो 380 ईस्वी में। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी क्यों कहा जाता है? एकदम इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने शकों को परास्त किया। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्राह्मिहिर, ब्रह्मगुप्त और अमर। 39 नंबर देखते हैं, कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। वह एक महान संस्कृत भाषा कवि थे। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेघदूत, कुमार संभव एवं रघुवंशम। ब्राह्मिहिर कौन था? ब्राह्मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक एवं प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ब्राह्मिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? बृहत् संहिता। इसमें नक्षत्र विद्या एवं भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। 43 नंबर, आर्यभट्ट कौन था?
तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक एवं अपने समय के उत्तर बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। आर्यभट्ट की प्रमुख देन क्या है? आर्यभट्ट ने ऐसे प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने। धन्वंतरी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं चिकित्सक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कब से कब तक शासन किया? 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त, जो उसका पुत्र था। गुप्त वंश के किस शासक ने बड़ी संख्या मुद्राएं जारी करवाई? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो 415 से 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। गुप्त वंश का अंत किस प्रकार हुआ? हूण नेता तुर्मान के आक्रमण द्वारा। गुप्त वंश कब से कब तक शासन किया? 320 से 570 ईस्वी तक। गुप्त काल में भू राजस्व कितना होता था? कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर कौन था? उज्जैन था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो किसके शासन काल में? तो गुप्त काल में। चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनवाया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर कौन है, सर्वोत्कृष्ट? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। 62 नंबर क्या हो गया? किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल में बंगाल की खाड़ी में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? रामलिप्ति। गुप्त काल में अरब सागर में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो भड़ौच। किस शासन काल में रामायण महाभारत तथा पुराण को पुनः लिखकर वर्तमान रूप दिया गया? तो कौन था? गुप्त काल। गुप्त काल में नागार्जुन किस क्षेत्र से जुड़े? वे प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। संस्कृत किस लोकप्रिय ग्रंथ में कहानियों का संग्रह है? तो पंचतंत्र में। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? नालंदा। दिल्ली में महरौली के निकट एक लौह स्तंभ किसके काल में बना हुआ था? तो गुप्त काल में। महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता गुफाओं की कलात्मक चित्रदाली किस काल की है? तो गुप्त काल की। तो ये 72 क्वेश्चन गुप्त काल से, जो 64वीं बीपीएससी है दोनों में, जो उत्तर प्रदेश की प्री होने वाली 28 अक्टूबर को, दोनों में इम्पोर्टेंट होगी। तो इसको ध्यान से इसको सुने। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।